ग्रीटिंग्स एवरी वन आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन लोवीट आर्स यूट्यूब चैनल सो आज हम अपनी क्रिमिनोलॉजी एंड पीनोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक विच इज़ कॉम्पन्शन टू द विक्टिम्स ऑफ क्राइम बिफोर स्टार्टिंग विद बद टॉपिक हम ये देख लेते हैं कि विक्टिम कौन होता है तो जब भी कोई क्राइम होता है क्राइम uh, कमिट होता है तो उसमें दो पार्टीज होती हैं एक होता है क्रिमिनल जो कि सारे बुरे काम एग्जीक्यूट करता है अपॉन दी विक्टिम सो so, विक्टिम वो पार्टी होती है जिसके कोई नुकसान पहुंचा है या फिर जिसको कोई हार्म हुआ है इंजरी हुई है या फिर अगर मर्डर वगैरह का केस है तो जिसका मर्डर हुआ है एक्सेट्रा ओके सो so, वो होते हैं विक्टिम्स। अब लॉ का प्राइमरी पर्पस ही ये होता है कि वो इंडिविजुअल के राइट्स एंड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और इसी का वे है एक तरीका है बाय प्रोवाइडिंग कॉम्पनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ क्राइम सो अब हम थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को देख लेते हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में सफिशेंट अरेंजमेंट्स किए गए थे ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी हार्म कॉज हुआ है विक्टिम्स को वो कॉम्पन्ट किया जा सके ये माना जाता था कि किंग की ये ड्यूटी है कि वो लोगों की प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखे अगर किंग किसी भी चुराए हुए सामान को रिस्टोर नहीं कर पाता था या फिर चोरों से उसकी प्राइस नहीं रिकवर कर पाता था आफ्टर अरेस्टिंग द थीफ तो ये किंग का कर्तव्य समझा जाता था कि वो ओनर को उस आर्टिकल की कीमत अपने खजाने से चुकाए वेट इन टर्न वो अपने विलेज ऑफिसर्स से रिकवर करता था जो कि अकाउंटेबल होते थे थीफ के एस्केप के लिए ड्यू टू देयर नेग्लिजेंस तो ये सारी ही चीज़ें ये प्रदर्शित करती है कि कंट्री के जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में पीड़ित को मुआवजा या कॉम्पनसेशन देना कभी भी एक एलियन कॉन्सेप्ट नहीं था लेकिन जो हमारा इंडियन क्रिमिनल लॉ था वो बहुत बहुत मतलब फोकस था ही नहीं ऑन पेंगम्पनसेशन टू द विक्टिम्स और इसी मशीनरी की समीक्षा करने के लिए 2003 में इन 2003 में एक कमिटी फॉर्म की गई ऑन रिफॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस वी एस मालेमत जिसका ये uh, की सजेशन था कि पीड़ित को उचित मुआवजा पाने का अधिकार दिया जाना चाहिए इसी के बाद 2008 में एक अमेंडमेंट किया गया सीआरपीसी में और सेक्शन 357 ए इंसर्ट किया एंड विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड वाज एस्टैब्लिश्ड व्हाट डज दिस कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम मीन सो कॉम्पन्सेशन टू द विक्टिम्स ऑफ क्राइम का मतलब है रिलेटेड है कोई भी फाइनेंशियल या फिर किसी अन्य प्रकार के समर्थन से जो प्रोवाइड किया जाता है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने कोई हार्म सफर किया हो एज अ रिजल्ट ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है और वो विक्टिम है हेड एंड रन एक्सीडेंट का और इसकी वजह से उसे इंजरी हुई है जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट एंड थेरेपी रिक्वायर करती है मोर ओवर इस इंजरी के चलते उसे अपने काम को मिस करना पड़ सकता है विच रिजल्ट इन द लॉस ऑफ इज वेजेस। एडिशनली इस एक्सीडेंट में उसका व्हीकल भी डैमेज या डिस्ट्रॉय हो सकता है विच इज कॉजिंग प्रॉपर्टी डैमेज एक्सपेंसिस तो इस सिनारियों में कॉम्पन्शन उसको हेल्प कर सकता है टू कवर ऑल दीज कॉस्ट एंड क्राइम के द्वारा इम्पोज की गई फाइनेंशियल बर्डन को भी ये कम करता है जो भी कॉम्पेंसेशन होता है फॉर अ क्राइम वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स लाइक इट कैन बी मॉनेटरी सच एज़ पेमेंट फॉर मेडिकल बिल्स लॉस्ट वेजेस एक्सेट्रा और नॉन मॉनेटरी सच एज़ काउंसलिंग और थेरेपी सेशंस मोर ओवर ये डिपेंड करता है अपॉन नेचर एंड सिविरिटी ऑफ अ क्राइम लाइक एक थेफ्ट के विक्टिम को लेस कॉम्पन्सेशन दिया जाएगा एज कम्पेयर टू द विक्टिम ऑफ अ Of the of कोई भी हो का, जो गोल होता है इस कॉम्पनसेशन को प्रोवाइड करने काउ कैन द कॉम्पनसेशन बी सॉ ये जो प्रोसेस है कॉम्पनसेशन को सीख करने का यह डिपेंड करता है उस कंट्री पे जहां पर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जा रहा है further type of crime per that whether it was a heinous crime or a minor one. and lastly, resources per jockey available here to the victim, such as access to legal representation, financial support, etc. however, some common ways to seek compensation include, number one, criminal justice system, number two, victim compensation funds, number three, civil lawsuit, number four, insurance, number five, charitable organizations, एंड लास्ट पॉइंट से यहाँ पे जो विक्टिम है उसको किसी भी क्वालिफाइड अटोर्नी या फिर एडवोकेट की हेल्प लेनी चाहिए उसकी सहायता लेनी चाहिए ताकि वो उसको समझा सके कि क्या प्रोसेस यूटिलाइज होगा इन गेटिंग दीज कॉम्पन्सेशन और उसकी राइट्स की प्रोटेक्शन भी हो देन वी विल सी दैट कॉम्पन्शन अंडर सिविल प्रोसीजर ये पॉइंट हमें बताता है कि सिविल जस्टिस सिस्टम में कॉम्पन्सेशन एक क्रिमिनल एक्ट के कारण होने वाले नुकसान के लिए डैमेजेस मांगने वाली प्रक्रिया को रेफर करता है फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज इंजर्ड इन अ कार एक्सीडेंट कॉज्ड बाय अनदर ड्राइवर्स नेग्लिजेंस तो इस केस में विक्टिम एक सिविल लॉ सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट द ड्राइवर ताकि उसको मेडिकल एक्सपेंसेस, लॉस्ट वेजेस पेन सफरिंग एंड अदर कोई भी डैमेजेस व्हिच इज़ रिजल्टिंग फ्रॉम दी एक्सीडेंट के लिए कॉम्पनसेशन मिल सके Then further point says the scan include compensation for medical expenses, lost wages, property damage and other costs related to the crime. As discussed before, इस compensation को हासिल करने के लिए victim को अपने losses के evidence provide करने होंगे और ये prove करना होगा कि उसको जो भी harm हुआ है वो defendant की वजह से ही हुआ है. और अगर मामला सफल हो जाता है तो डिफेंडेंट को आदेश दिया जाता है आदेश दिया जा सकता है कि वो पीड़ित को मुआवजे के रूप में एक राशि का भुगतान करें नाउ लेट सी दैट वॉट वुड बी द क्वांटम ऑफ कॉम्पेंसेशन दैट वुड बी अवॉर्डेड सो जो भी अमाउंट होता है कॉम्पन्सेशन का वो डिपेंड करता है ऑन मल्टीपल फैक्टर्स लाइक क्राइम का नेचर क्या था उसकी इंटेंसिटी कितनी थी विक्टिम्स को उस क्राइम की वजह से कितना नुकसान या फिर लॉस सफ़र करना पड़ा या फिर व्हाट आर द लॉज एंड रेगुलेशंस इन प्लेस एंड द जो रेस्ट्रिक्शन वे द क्राइम हैड अ कर एक्सेट्रा क्रिमिनल केस में जज ऑफेंडर को क्राइम से होने वाले स्पेसिफिक लॉसेस के लिए विक्टिम को क्षतिपूर्ति विच इज कॉल्ड एज रेस्टिट्यूशन का भुगतान करने का आदेश दे सकता है फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज असॉल्टेड एंड उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो जज ऑफेंडर को ऑर्डर कर सकता है टू पे फॉर द विक्टिम्स मेडिकल बिल्स वहीं इन कॉन्ट्रास्ट एक सिविल लॉस सूट में विक्टिम ब्रॉडर रेंज ऑफ लॉसेस रिकवर कर सकता है इंक्लूडिंग दोस्ट जो कि ईजिली क्वांटिफिएबल नहीं होते हैं यहाँ पर वो टैंजिबल एज वेल एज इनटैंजबल दोनों ही तरह के फाइनेंशियल लॉसेस रिकवर कर सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कार एक्सीडेंट में विक्टिम का पैर टूट जाता है और उसको सर्जरी करानी पड़ती है तो ही में सी कॉम्पन्शन नॉट ओनली फॉर हिज मेडिकल बिल्स एंड लॉस्ट वेजेस बट ऑल्सो जो भी पेन एंड सफरिंग उसने एक्सपीरियंस की है इस एक्सीडेंट की वजह से वो उसके लिए भी कॉम्पेंसेशन डिमांड कर सकता है एक सिविल लॉ सूट में नाउ कम्स आ विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम देखिए आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि जो हमारा इंडियन क्रिमिनल लॉ था वो ज़्यादा फोकस्ड नहीं था ऑन प्रोवाइडिंग कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम्स और इसी वजह से इंडिया में सी आर पी सी नाइनटीन सेवेंटी थ्री में एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया सेक्शन थ्री फिफ्टी सेवन ए विच प्रोवाइडेड फॉर विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम द स्कीम वॉज इंट्रोड्यूसड इन टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड कॉम्पनसेशन टू विक्ट एसड अटैक्स सेक्शुअल असॉल्ट एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग अमंग अदर्स इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन प्रदान करती है विक्टिम्स ऑफ क्राइम या फिर उनके डिपेंडेंट्स को जिन्होंने कोई भी इंजरी या फिर लॉस सफर किया है एज अ रिजल्ट ऑफ सच क्राइम इस स्कीम में विक्टिम या फिर उसके डिपेंडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं फॉर सीकिंग कॉम्पनसेशन एट एनी स्टेज ऑफ द ट्रायल इन्वेस्टिगेशन और इवन आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल और जो भी अमाउंट होता है कॉम्पनसेशन का वो डिटरमाइन किया जाता है ईदर बाय द स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो कि इंटर्न बेस्ड होता है ऑन दिव्य इंजरी और विक्टिम अपार्ट कॉम्पेंसेशन स्कीम है वो कुछ अदर फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती है लॉस ग्राइम इन इंडिया एंड दिस है Number 1 provisions under CRPC 1973 and number 2 provisions under Indian Constitution. So, the provisions which are provided in CRPC are contained in sections 357, 357 clause 1, 357 clause 2, 357 clause 3, 357A, 358, 359, and 250 of the Code of Criminal Procedure 1973 and the constitution of india also provides for certain safeguards to the victim of crime article 14 and 21 of the constitution supports the argument now next we will discuss victim compensation under the code of criminal procedure 1973 now we will discuss section 357 which is order to pay compensation code jabhi koi sentence pass karti hai kisi judgment with fine being a part of it including a sentence of death तो वो ये ऑर्डर कर सकती है कि जो भी फाइन रिकवर किया गया है वो कंप्लीटली या फिर उसका कुछ हिस्सा अप्लाई किया जाए नंबर वन टू एक्सपेंसेस रिकवर करने में जो कि इनकर हुए हैं इन द प्रोसिक्यूशन या फिर एज अ कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय दैट ऑफेंस या फिर अक्यूज़ ने किसी की डेथ कॉज कर दी है या एबेट किया है फॉर कमीशन अंडर फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 फिफ्टी ऑफ सच ऑफेंस तो कॉम्पनसेशन uh, पे किया जाए आउट ऑफ द फाइन रिकवर्ड उस पर्सन को जिसको इम्पैक्ट पड़ा है बाय द डेथ ऑफ सच पर्सन और ये प्रोविजन अप्लाई होता है उन सारे ही ऑर्डर्स पे जो कि इशू होते हैं बाय द ट्रायल कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन और एंड अपील इन रिलेशन टू कॉम्पनसेशन फॉर विक्ट क्राइम प्लस दिस इंक्लूड्स एनी रिविजन ऑफ सच ऑर्डर ऑल्सो और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी कॉम्पनसेशन अवॉर्ड कर सकती है इन अप्रोप्रिएट केसेस नाउ वी हैव अ सेक्शन 357 ए दैट इज विक्टिम कॉम्पन्शन स्कीम तो वन अमेंडमेंट में लॉ कमीशन ने ये नोटिस किया कि जो भी अर्लियर रिकमेंडेशंस थे दैट हैड नॉट बीन एक्टेड अपॉन बाय द गवर्नमेंट एंड इसी वजह से एक नया प्रोविजन एड किया गया विच इज़ सेक्शन थ्री ए ताकि सेक्शन 357 के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को प्राप्त किया जा सके और सेक्शन थ्री ए के एडिशन से पहले कोई लीगल ड्यूटी नहीं हुआ करती थी टुवर्ड्स द विक्टिम और जो कॉम्पनसेशन था वो तभी क्लेम किया जा सकता था जबकि अक्यूज का ट्रायल और कॉन्विक्शन हो जाए हाउ एवर सेक्शन थ्री फिफ्टी सेवन ए के एडिशन के बाद से इट बिकेम पॉसिबल फॉर दिक्टीव कॉम्पनसेशन इवन बिफोर द कन्वेक्शन ऑफ द अक्यूज नाउ वील डील विद कॉम्पन्न टू पर्सन ग्राउंडलेसली अरेस्टेड सेक्शन थ्री फिफ्टी सो ये प्रोविजन कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करता है उन इंडिविजुअल्स को जो रॉन्गफुली अरेस्ट किए गए हैं विदाउट एनी वैलिड रीजन और इस सेक्शन के पाने के पाने लिए ये जरूरी है कि एक डायरेक्ट कनेक्शन हो बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड जो अरेस्ट है वो ग्राउंड्स के बिना एक निश्चित जानकारी के कारण हुई होगी और अगर ऐसा होता है तो मजिस्ट्रेट विक्टिम को अपटू रुपीज था प्रोवाइड करा सकता है नाउ फर्दर सेक्शन थ्री फिफ्टी नाइन इज ऑर्डर टू पे कॉस्ट इन नॉन कॉक्टिजेबल केसेस सेक्शन ऐसी से डील करता है जहां पर कंप्लेंट एक नॉन ऑफेंस के लिए की गई हो एंड कोर्ट ऑफ सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट रिविजन जोरिस्ट्रिक्शन ऑर्डर कर सकती है फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट जो कि इंक्लूड करता है फीस फॉर लीगल रिप्रेजेंटेशन कोर्ट फाइलिंग फीस एंड अदर कोई भी द अपील फर्दर इस इस इम्पोस्ड पेनाल्टी के अलावा कोर्ट अक्यूज को ऑर्डर कर सकती है टू पे इन होल और इन पार्ट टू द कंप्लेनेंट कोई भी कॉस्ट जो प्रोसिक्यूशन के दौरान इनकर की गई हो एंड अगर अक्यूज फेल हो जाता है टू मेक द पेमेंट तो उस केस पे कोर्ट अक्यूज उस सेंटेंस कर सकती है टू इम्प्रजनमेंट फॉर अ टाइम स्पैन नॉट मोर देन थर्टी डेज Now we have reached the last part of our today's lecture that is where to complain when the compensation is released by the authority but the same has not reached in the hands of the victim। तो ये heading बात करती है कि एक victim कहाँ पे complain करेगा अगर उसका जो compensation है वो proper relevant authority ने release तो कर दिया है लेकिन वो victim को प्राप्त नहीं हुआ है। तो इंडिया में ऐसी कंप्लेंट फाइल हो सकती है दो अथॉरिटीज़ के अंडर में नंबर वन इज़ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और दूसरा है रेलिवेंट स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो भी रेलिवेंट स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होगी एक पर्टिकुलर स्टेट की वहां पे एंड जो कंप्लेंट हो रही है उसमें ये सारी डिटेल्स इंक्लूडेड होनी चाहिए मैंशन होनी चाहिए कि जो कॉम्पनसेशन है वो रिलीज़ किया गया है और ऐसा क्या रीज़न है कि वो विक्टिम्स के हैंड तक या उस तक नहीं पहुंच पाया है और जब कंप्लेंट फाइल की गई है किसी भी रेलेवेंट अथॉरिटी के अंडर में अगर वहाँ पे ये कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती है इसका निपटारा नहीं होता है तो जो विक्टिम है वो लीगल एडवाइस सीख कर सकता है और फर्दर आगे के लीगल एक्शंस ले सकता है लाइक वो रेड पटिशन फाइल कर सकता है या फिर किसी भी कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे आई होप कि यू वुड हैव लाइक डेंट अंडरस्ट द टॉपिक डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ विद योर बैचमेट्स मेट्स हुआ एंड दी नीड ऑफ द सेम Thank you.